Sufficient. Bits. BIP. क्या होता है? Integrated processing units क्या है? देखो float का मतलब actually अगर business में देखा तो हमारे क्या time period involved for collecting any check. For billing time period. For example, कई बार क्या होता है? मैं bill बना को दिया, लेकिन वो dispatch नहीं है. मैं bill बना को दिया, लेकिन dispatch नहीं. वो क्या हो जाएगा आपका? नहीं. इसके होता क्या है कि अगर हमें सपोज कोई भी चेक कलेक्शन करना है कुछ और करना है उस केस में क्या होगा जब तक हम इनवॉइस नहीं भेजेंगे हमारे कस्टमर हमें चेक नहीं देंगे हमने इनवॉइस बना के ड्रॉअर में डाल दिया ठीक है उसको डिस्पैच नहीं किया तो जब तक डिस्पैच नहीं करोगे जो नंबर ऑफ डेज काउंट किए जाएंगे वो कब से काउंट किए जाएंगे जिस दिन आपकी इनवॉइस बनी जिस दिन उसने इनवॉइस रिसीव की ठीक है फॉर एग्जाम्पल 30 डेज का टाइम पीरियड दिया हुआ है वो तो इनवॉइस डेट से होता है क्लियर उसके पास इनवॉइस आई उससे 30 दिन अब 3 दिन तो पहले आपने निकाल दी आपने इनवॉइस बना के अपने ड्रॉन में रख दी पोस्ट करना ही भूल गए क्लियर इनवॉइस गई नहीं उसके पास जब नहीं गई तो 30 डेज का टाइम पीरियड है 30 डेज विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट व्हेन बिल इज बीइंग सबमिटेड ठीक है सबमिट जब उसके पास पहुंच गया तब से 30 दिन का टाइम पीरियड रहेगा तो डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन के अंदर कुछ डिस्पैच से मानते हैं कुछ डेट ऑफ इनवॉइस से मानते हैं कुछ डिलीवरी से मानते हैं वो डिपेंड करता है लेकिन जनरली मान के चलते हैं कि मेरे पास जब इन्फॉर्मेशन आ गई तब से 30 दिन क्लियर तो 2 दिन तो आपने अपने घर में निकाल दिए अब उसके बाद क्या हुआ द कस्टमर हैज सेंट मी द चेक ऑफ देयर ओन सिटी अपनी सिटी का चेक भेजेगा फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ दिल्ली में वो है बेंगलोर में उसने मुझे चेक इशू किया वो कौन सी सिटी का देगा ठीक है आजकल तो चलो मान लीजिए 2-way सिस्टम है ठीक है कहीं से भी चेक पॉइंट कैश करवा सकते हैं लेकिन अगर हम पुराने जमाने की बात करते हैं तो क्या होगा आउटस्टेशन चेक है क्या चेक मेरे पास आया बाई पोस्ट मैं चेक को अपने अकाउंट में लगाऊंगा वापस जाएगा बेंगलोर और वहां से क्लियर होकर वापस आना इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 7 डेज ऑन एन एवरेज ठीक है 7 दिन लग गए 30 दिन वो 3 दिन वो और 7 दिन वो 40 डेज का करेंट पीरियड होगा 30 डेज के क्लियर समझ में आ गया तो द करेंट पे हैज बीन एक्सटेंडेड टू 40 डेज इंस्टेड ऑफ समझ में आ गया क्लियर तो इससे भी समझ क्या हुआ एक्सटेंशन आपका लगातार तो यानी जो टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है बिलिंग करने में इनवॉइसिंग करने में कलेक्शन में या पेमेंट में उसे हम क्या कहते हैं समझ आ गया देखियो प्रोटोकॉल भी